बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिस्क ऑफ चार्ज। तो हम आज मालूम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्क की वजह से एक पॉइंट थी। तो हम एक इंसुलेटेड डिस्क लेते हैं, इंसुलेटेड डिस्क लेते हैं कि इट कैन होल्ड चार्ज, मतलब इस पर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर सकते हैं। तो डिस्क हमने लिया एक्स वाई प्लेन में, एक्स एक्सिस है, ये प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका मतलब हमने एक्स वाई प्लेन लिया। इसका जो एक्सिस है वो लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है। तो इस ऑरिजिन और जिसका जो ऑरिजिन है पॉइंट पी के दरमियान का फासला है वो जेड है। तो डिस्क की वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी मालूम करने के लिए पहले सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिंग को लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ डिस्क। तो इस पर जो चार्ज है वो डी क्यू है और जो एरिया है इस रिंग का वो डी ए है। तो हमारे साथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा के जरिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पर जो चार्ज है वो डी क्यू है और एरिया डी ए है। तो अगर ये डी ए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो डी ए इक्वल टू डी क्यू या डी क्यू इक्वल टू रो डी ए, इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। यहाँ पर जो डी ए है इसको हम डिफरेंशियल एरिया कहते हैं। तो ये डिफरेंशियल एरिया ऑफ अ रिंग वो किसके बराबर है, टू पाई ओमेगा। यहाँ पर जो रिंग का रेडियस है वो ओमेगा है, एज अ होल डिस्क का जो रेडियस है वो आर है। तो हम इस रिंग का डिफरेंशियल एरिया लेते हैं तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू टू पाई ओमेगा डी ओमेगा। तो अगर हम डी ए जो रिंग के लिए डिफरेंशियल एरिया है डी ए यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगी इक्वेशन वन, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए की जगह हम टू पाई ओमेगा डी ओमेगा लगाते हैं, इसको हम इक्वेशन टू बना लेते हैं। हमने पहले पढ़ा था पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ होल रिंग ऑफ चार्ज, इस रिंग की वजह से यहाँ पर कितना होगा हमने ऑलरेडी मालूम किया था, डी ई इज इक्वल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जेड डी क्यू डिवाइड बाई जेड आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो लेकिन यहाँ पर जो रिंग्स हैं पहले लेक्चर में जो हमने रिंग लिया था इसका जो रेडियस था वो कैपिटल आर था, लेकिन यहाँ पर जो हमने स्मॉल रिंग लिया इस डिस्क का जो एलिमेंट्स हैं रिंग्स, तो इसका जो रेडियस है वो ओमेगा है, इसकी वजह से यहाँ पर हमने ओमेगा लगाया आर कैपिटल, यहाँ उस रिंग में यहाँ पे कैपिटल आर आता है लेकिन इस रिंग के लिए हमने ओमेगा लगाया क्योंकि आर की जगह यहाँ पर ओमेगा है। तो यहाँ पे देखिए डी क्यू है, तो डी क्यू इसके बराबर है सिग्मा टू पाई ओमेगा डी ओमेगा, यहाँ पर डी क्यू की जगह हमने टू पाई ओमेगा डी ओमेगा लगाया है या थ्री बाई टू। तो फॉर ये जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी है ये एक इस वजह से रिंग की वजह से है, इस पॉइंट पर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस हमने मालूम किया था कि जो और डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी था इसने अपने आप को कैंसिल कर दिया, मतलब सेमिंग इश्यू अपने डायरेक्शन की वजह से जो नेट इफेक्ट आ रहा था वो अलोंग जेड एक्सिस आ रहा था। तो इसकी वजह से मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस रिंग ऑफ चार्ज 8.3 अलोंग जेड एक्सिस, तो रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8.3 और इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलेशन एज अ होल डिस्क के लिए करते हैं तो हमारे साथ जो रिंग का जो डिस्क का रेडियस है वो 0.2 r है। तो फॉर होल रिंग हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0.2 r तक, आज तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन हम सबमिशन के लिए ट्राई करते हैं। हम इस रिंग को स्मॉल एलिमेंट्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं और इस हर रिंग के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन नंबर ऑफ रिंग है तो एन नंबर ऑफ रिंग के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करते हैं, तो फिर इसको हम एड करते हैं। तो एडिशन के लिए यहाँ पर हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग ड्यू टू डिस्क 8.3 तो हमारे साथ यूनिट इफेक्ट यहाँ आ जाएगी 0.2 r 1/4 pi 0.2 r तक हमने इंटीग्रेट कर दिया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगी, पाई पाई कैंसिल हो जाएगी मतलब 4 epsilon आ जाएगी, 4 epsilon नॉट आ जाएगी और जेड टू ओमेगा डी ओमेगा डिवाइड बाई z
जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थ्री बाई टू। अगर ये जो जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर थ्री बाई टू है, यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, जब इसको ऊपर ले आएंगे तो हमारे साथ का जो साइन है वो निगेटिव हो जाएगी, जीरो टू आर वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट जेड जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मंथ थ्री बाई टू हो जाएगी और टू ओमेगा डी ओमेगा, टू ओमेगा डी ओमेगा। तो हमारे साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है एट पॉइंट पी फॉर ऑल डिस ड्यू टू डिस एट पॉइंट पी, तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये फंक्शन है और इसका जो ड्राइविटिव है यहाँ पे मौजूद है, तो जब एक फंक्शन और इसके साथ जो ड्राइविटिव मौजूद हो जाए तो हम इस पर जो इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करने से इसके जो पावर है एक इसका पावर एक जमा करेंगे, इस तरह हम डिवाइड करेंगे। तो आगे हम जाएंगे किस तरह करेंगे, देखिए जेड चूंकि कांस्टेंट है यहाँ तो फास्ट में कांस्टेंट हुआ काम निकालते हैं हम फोर एप्सिलॉन नॉट और जीरो टू आर ओमेगा जेड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मंथली थ्री बाई टू टू ओमेगा जो कांस हमने बाहर निकाल दिए, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, देखिए जेड बाई फोर एप्सिलॉन नॉट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, तो पावर को एक जमा करेंगे, सही है, जब एक फंक्शन आ जाएगी और इसके साथ डेरिवेटिव, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन इस तरह हम इसका लेंगे जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मंथली थ्री बाई टू प्लस वन मंथली थ्री बाई टू प्लस वन, जो इसका पावर है इसको हम ऐड करेंगे और फिर इस पावर को एक ऐड करके इस पर डिवाइड करेंगे जो फंक्शन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो रूल है मैथमेटिक्स में बीसी में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम आगे जाते हैं, यहाँ पर हमने एक टर्म छोड़ दिया है क्योंकि सिग्मा डी क्यू की जगह हमने लगाया की वैल्यू लगाया, लेकिन यहाँ पे टू पाई ओमेगा लगाया, डी ओमेगा सिग्मा हमने नहीं लगाया, तो सिग्मा यहाँ पे आ जाएगी सिग्मा सिग्मा तो सिग्मा हमने उधर नहीं इंक्लूड कर दिया क्योंकि हमने छोड़ दिया था। अब हम आगे जाएंगे थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू वन बाई फोर एप्सिलॉन नॉट जेड सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर इसका जब हम इसे लेंगे टू मंथली थ्री या मंथ टू मंथली वन बाई टू आ जाएगी, मंथली वन बाई टू डिवाइड बाई मंथली वन बाई टू, तो ऊपर जाएगी मंथली वन बाई टू यानी इज इक्वल टू मंथली टू जेड सिग्मा फोर एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वन बाई टू जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वन बाई टू। हाँ इसका जो इंटीग्रेशन का लिमिट है हमने बीच हो गया जीरो टू आर, जीरो टू आर हम इस पर भी अप्लाई करेंगे, जीरो टू आर लिमिट जो है तो हम अप्लाई करेंगे, तो जब यहाँ पर जीरो टू आर लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे साथ जो लिमिट रिजल्ट हो जाएगा वन बाई जेड सिग्मा फोर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर टू ऊपर जाएगी मंथ के साथ, तो जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जब हम यहाँ पर इसका जो पावर है वो नेगेटिव है तो हम इसको नीचे जाएंगे, हमारे साथ जो रिजल्ट है वाले जेड स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट जीरो टू आर। तो अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ जो रिलेटिव इंटेंसिटी है मल्टी टू जेड सिग्मा
4 epsilon r। यहाँ पर जब इसको हम नीचे लाएंगे तो इसका जो पाव है 1/2 हो जाएगी, 1/2 स्क्रूट के बराबर है, तो हम ये टर्म सी इस तरह लिखा, ठीक है। तो 1/ जेड स्क्वायर ओमेगा की जगह हम लगाएंगे आर स्क्वायर, मानिए 1/ जेड स्क्वायर ओमेगा की जगह हम जीरो लगाएंगे हमारे साथ। अब आगे जाएंगे तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा लेते हैं, इसकी वजह से टाइम लगेगा। जेड मल्टी टू जेड सिग्मा 4 epsilon 1/ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 1/ जेड, क्योंकि स्क्वायर रूट और वो कैंसिल हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे जेड है आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ यूनिट रिजल्ट है माइनस 2 और सिग्मा 4 epsilon जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट और जेड मन डिवाइड बाई जेड, तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगी, जेड जेड खत्म हो जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ एक आ जाएगी 1 आ जाएगी मतलब 2 rho 4 epsilon जेड डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट 1/1। तो यहाँ पे हम कुछ लिमिट अप्लाई करते हैं, कुछ स्पेशल केस हम लेते हैं इसलिए। अगर हम जेड जीरो के बराबर लेंगे, जेड जीरो के बराबर लेंगे तो हम इसकी जगह अगर जीरो लगाएंगे जेड की जगह तो ये टर्म खत्म हो जाएगी,